सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्यूएनए के एपिसोड नंबर 41 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, सुबह में मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट करा था और आप लोगों को बोला था कि भाई क्वेश्चन जो पूछने हैं वो पूछ सकते हो, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करा और मोर देन 100 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं लाइन से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर पिक करा और आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। भाई जिन लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर पिक नहीं कर पाया हो, बट मोस्टली जो सपोज 7 जन एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे टाइप के मैंने क्वेश्चन पिक करा, फिर भी यहाँ पर उसमें से भी पूछने के बाद भी यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पिक कर लिया हूँ। आई होप कि आप लोगों का भी यहाँ पर रिप्लाई हो जाएगा। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते तो ये पूछते हैं इमरान टैग, ये बोलते हैं भाई नोकिया 7.1 प्लस इंडिया में कब आएगा। तो यार आपको दिसंबर के महीने में नोकिया 8.1 के नाम से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेखा अग्रवाल बोलते हैं रियलमी 2 ले लूँ, मेरा बजट उतना ही है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, अच्छा फोन है क्या वो। यस, डेफिनेटली यार प्राइस पॉइंट को देखते हुए रियलमी 2 काफ़ी बढ़िया फोन है। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, एक अच्छा डिवाइस है 9,500 की प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर RHT बोलते हैं प्लीज 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 पिक माय क्वेश्चन ब्रो। और ये पूछते हैं भाई आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार कौन है। देखो वैसे तो ऑल टाइम फेवरेट मेरा अंडरटेकर है, बट अभी के लिए यहाँ पर मुझे ब्रॉक लेसनर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्रुव शर्मा बोलते हैं मेरे पास रियलमी 1 है, प्लीज़ बताओ कि इसमें एंड्रॉयड पाई का अपडेट आएगा या नहीं, और ColorOS 5.2 का अपडेट कब तक मिलेगा, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो यस, डेफिनेटली आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट यहाँ पर रियलमी 1 में भी देखने को मिलेगा और 5.2 अपडेट यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही दिनों में आपको भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रमज़ान फारूकी बोलते हैं हेलो भाई रेडमी नोट 6 प्रो 3GB 32GB अगर 11K में आएगा तो वो लेना अच्छा रहेगा क्या, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। अगर रेडमी नोट 6 प्रो यार 3GB 32GB वाला वेरियंट मुझे लगता तो नहीं इंडिया में लॉन्च होगा, बट अगर हो जाता और 11,000 पे लॉन्च होता तो डेफिनेटली यार ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया डील वो रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं टेक्नीशियन ललित, ये बोलते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए कोई फ़ोन सजेस्ट करो 25K के अंदर, माय चॉइस इज सैमसंग A7 रेडमी नोट 6 प्रो, अगर कोई और पसंद हो तो बताना। यार ये सब फ़ोन को छोड़ दो, पोको F1 परचेज करो, कैमरा तो अच्छा ही है तो रिकॉर्डिंग में काफ़ी बढ़िया से रिकॉर्ड कर पाओगे, साथ ही साथ एडिटिंग में यार काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। स्नैपड्रैगन का 845 में मस्के की तरह एडिटिंग होती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा पोको F1 विल बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आप यूट्यूब वही उस पर शूट करना चाहते हो और उस पर एडिट करना चाहते हो तो पोको F1 के लिए आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अर्नव टंटी बोलते हैं मेरा क्वेश्चन है भाई ऑनर 8X लूँ या फिर किसी नए फ़ोन का इंतज़ार करूँ, भाई मेरा क्वेश्चन पिक कर लेना, लव यू फ्रॉम आसान, भाई लव यू टू फ्रॉम मुंबई। और यार मैं बोलूँगा यार अभी ऑनर 8X तो अपनी जगह पे है ही, ऑफलाइन में भी मिलता है, तो मैं बोलूँगा ऑनर 8X अभी मत लो, रियलमी U1 का वेट कर लो, ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 का वेट कर लो, उसके बाद लॉन्च हो जाने दो, बाकी ऑनर 8X तो आपको आराम से मिल ही जाएगा, तो एक महीने का वेट कर लो, दोनों फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शेख भाई बोलते हैं रियलमी U1 वर्सेज रियलमी 2 प्रो भाई कौन सा खरीदे बताओ सच, आप कौन सा लेते हैं। देखो यार अभी रियलमी U1 को लॉन्च हो जाने दो भाई, लॉन्च हो जाएगा उसके बाद मैं डेफिनेटली कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए मैं बोलूँगा कि रियलमी 2 प्रो अगर आप लेने जा रहे हो तो अभी मत लेना, रियलमी U1 को वेट कर लेना, वो लॉन्च होगा उसके बाद में ही आप दोनों में से डिसाइड करना। वैसे मैं दोनों की कंपैरिजन वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि कौन सा फ़ोन किन लोगों के लिए बेटर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मनोज भट्ट बोलते हैं अंडर 15,000 कौन सा मोबाइल अच्छा है, जैसे कि अगेन मैं बोलूँगा अभी के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है ऑनर 8X, बट अभी मैं बोलूँगा यार दो फोन लॉन्च होने वाले ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 और यहाँ पर रियलमी का U1 लॉन्च होने वाला है, तो भाई वेट कर लो, एक महीने का वेट कर लो, दो फोन आ जाएंगे तो और आपको आसानी से आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टेकी टॉप बोलते हैं फ़ौरन से फ़ोन बिना कस्टम टैक्स लगे कैसे मंगवाएं। देखो टैक्स लगना है नहीं लगना है वो नसीब की बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी पहले से ऐसा बोल के नहीं मंगवा सकते कि भाई टैक्स नहीं लगेगा, या तो कोई जा रहा है आपका रिलेशन वाला जा रहा है तो उसके हाथ से मंगवा लो तो नहीं लगेगा, बाकी टैक्स तो लगना ही है नहीं लगना है वो आपकी नसीब के ऊपर है, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकते कि भाई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्लॉग ट्यूब बोलते हैं मी एट लाइट इंडिया में कब लॉन्च होगा। यार मेरे को समझ में नहीं आता कि शाओमी को हो क्या गया है, नोट 6 प्रो के बदले में मी एट लाइट अगर इंडिया में लॉन्च कर देते ना अच्छे प्राइस पॉइंट पे, डेफिनेटली मार्केट को किल करके रख देता, बट शाओमी मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में मी एट लाइट लॉन्च करेगा, अगर लॉन्च कर देता ना डेफिनेटली हिला के रख देगा भाई, अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में जल्दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूरज दास बोलते हैं, Realme 2 Pro में क्या क्यूरियस OS अपडेट मिलेगा? देखो क्यूरियस OS यार पता नहीं कौन निकाला ये अपडेट, मतलब ये UI है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है क्यूरियस का मतलब यार कोई चीज़ के लिए एक्साइटेड हो क्या, ऐसा Realme पूछ रहा था। तो क्यूरियस OS वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला है भाई, इसका कलर OS ही रहने वाला है Realme के फ़ोन में, या स्टॉक एंड्रॉयड आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है, क्यूरियस OS या क्यूरियस UI आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये पूछ रहे भाई आप कौन से कैमरे से शूट करते हो, तो अगर आप बैक कैमरे की बात करें तो मैं Asus Zenfone 5Z से कुछ टाइम से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर Redmi Y1 से। आपको बिलीव नहीं होगा बट रियली Redmi Y1 से मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़े बहुत एडिटिंग के भी आप कर लोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बीबी कंडन होता बोलते हैं, भाई आई होप कि आपका नाम मैंने बराबर से प्रोनाउंस कराऊँ, ये बोलते हैं बेस्ट पोर्ट्रेट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000 पिक माइक क्वेश्चन। देखो 15,000 की रेंज में अगर आपको पोर्ट्रेट मोड चाहिए या ओवरऑल ऐसा कैमरा पैकेज चाहिए, Mi A2 से बढ़िया कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड की बात करो या लो लाइट डे लाइट कोई भी शॉट की बात करो, तो Mi A2 विल बी माई पिक इन 15,000 रुपीज में बेस्ट कैमरा एंड बेस्ट पोर्ट्रेट मोड वाले कैमरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं लाइफ हैक्स बाय रंजीत, ये बोलते हैं ब्रदर आई लव टू वॉच योर वीडियोज, माई क्वेश्चन लास्ट मूवी यू वॉच्ड, भाई लव यू टू और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू यार। वैसे तो मैं मूवी नहीं देखता हूँ यार, और लास्ट मूवी अगर बात करो तो मैंने अपने फ़ोन में देखा था, कॉमेडी मूवी कोई बॉलीवुड की देखा था आई थिंक सो, फिर हेरा फिर ही देखा था मोबाइल पे ही, बाकी ऐसा मेरे को मूवीज देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समीर पटेल बोलते हैं, सर मैं अभी Realme 2 Pro यूज़ कर रहा हूँ और न्यू स्मार्टफोन लेने के बाद कौन प्रिकॉशन रखना चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियोस बनाओ स्पेशली वीडियोस बैटरी। अच्छा भाई बना देंगे, और बैटरी की प्रिकॉशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी टिप्स एंड ट्रिक्स बता चुका हूँ कि बैटरी को कैसा रखना चाहिए कैसा चार्ज करना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर मिल जाएगा, बाकी न्यू फ़ोन के लिए आई होप कि मैं इन फ्यूचर वीडियो बना लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मनीष शरद बोलते हैं, भाई क्या अभी Nokia 7 Plus लेना ठीक रहेगा सेकेंड हैंड, प्रायोरिटीज कैमरा स्टॉक एंड्रॉयड परफॉर्मेंस एंड बैटरी 16,000 में मिल रहा है, तो सेकेंड हैंड यार मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा भाई, अभी मार्केट में बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए हैं, तो यार थोड़ा वेट कर लो और भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकेंड हैंड अभी के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, और 16,000 में ही मिल रहा है और आपको बहुत डील आ गया है, तो चेक करो कंडीशन वारंटी वगैरह है तो ले लो, वैसा बुरा डील नहीं है बट मैं अभी के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साहिल पोपली बोलते हैं, आपके फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर तक की स्टोरी बताओ प्लीज़। यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जितना मेरे को 10,000 में पहुँचने में यार इतना मेरे को मेहनत तो वैसे लगती है बट जितना टाइम नहीं लगाते यार उतना 1,000 पहुँचने में टाइम लगता है। बिलीव मी जो नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है ना, 1,000 बिना शेयर के बिना प्रमोशन के करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे महीनों लग गए थे, ना ही अर्निंग हो रही थी ना ही कुछ हो रहा था, फिर भी मैंने गिव अप नहीं करा भाई, 1,000 हो जाता है और 1,000 होने के बाद जो फीलिंग आती है ना, मुझे नहीं लगता वो 1,00,000 होने पे भी वो फीलिंग आएगी। 1,000 यार पहला सब्सक्राइबर जो रहता है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फैक्ट टेक्स बोलते हैं, भाई अगर मोबाइल पर गोरिल्ला ग्लास है तो टेम्पर्ड चढ़वाना चाहिए या नहीं? अरे गोरिल्ला ग्लास है तो क्या हुआ भाई, टेम्पर्ड ग्लास आपको लगा लो, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैचेस गोरिल्ला ग्लास पे कम पड़ते हैं लेकिन पड़ते हैं, तो टेम्पर्ड लगाओगे तो वो तो बढ़िया रहेगा ही, साथ में फ़ोन गिरता है तो यार कोई गोरिल्ला ग्लास 6 लगा लो, टूटना है तो टूटेगा ही, तो आप अच्छा सी केस भी लगा लो साथ ही साथ, और एक टेम्पर्ड ग्लास अच्छी क्वालिटी का लगा लो, उससे मच आपका यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी रहती है डिस्प्ले की वो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हो। तो यार मैं रेकमेंड करूँगा, आप कोई भी फ़ोन ले रहे हो, 5,000 का ले रहे हो, 50,000 का ले रहे हो, कोई भी फ़ोन ले रहे हो, टेम्पर्ड ग्लास और एक अच्छा केस लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लिंटन बोलते हैं, भाई मेरा क्वेश्चन प्लीज़ ले लेना, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा Realme 2 Pro में उसका अगले अपडेट कब तक आएगा और क्या उसमें स्लो मोशन का ऑप्शन मिलेगा, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। तो भाई Realme 2 Pro का नेक्स्ट अपडेट अभी आपको बहुत ही जल्दी रोल आउट करना, Realme 2 Pro में स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा एक हफ्ते के अंदर ही, साथ में यहाँ पर स्लो मोशन आएगा या मुझे नहीं लगता आएगा क्योंकि Realme यार स्लो मोशन देना रहता था पहले ही दे देते, बाकी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है बट अभी के लिए स्लो मोशन का फीचर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निखिल कुमार बोलते हैं, मेरा बजट है 20K का और मैं पोको F1 लेने वाला हूँ, मुझे बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा ना, मेरी प्रायोरिटीज है गेमिंग एंड कैमरा, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। यार 20,000 की रेंज में ना अभी भी पोको F1 से बढ़िया कोई भी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन नहीं है, 845 किलर डिवाइस है, कैमरे के मामले में भी सुपर्ब है, तो बिल्कुल भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। अगेन एक चीज़ बोलूँगा, अच्छा सी केस लगा देना यार उसके साथ में, काफ़ी बढ़िया कमाल का आपको यूज़र एक्सपीरियंस हो जाएगा 20,000 में पोको F1 के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भाविया शाह बोलते हैं, भाई तुम पार्ट टाइम यूट्यूब या फुल टाइम यूट्यूब हो और पार्ट टाइम हो तो क्या करते हो? भाई अभी के लिए करंटली आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर, तो पूरा टाइम यार यूट्यूब पे ही देना पड़ता है, इसकी वजह से मैं आपको दिन में 2 से 3 वीडियो दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अर्शित सिंह बोलते हैं, आपकी अर्निंग बताओ यूट्यूब की। देखो हर महीना ऊपर नीचे होता रहता है यार, फिक्स किसका भी नहीं रहता है, टोटली व्यूज़ पे डिपेंड रहता है और यार एड्स पे डिपेंड रहता है। तो अभी लेटेस्ट यहाँ पर अर्निंग की बात करें पिछले महीने की, तो मैं पोको F1 परचेज कर सकता हूँ 128 GB वाला, तो आप अंदाजा लगा लो कितना मेरी अर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कामरान खान बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं नोट 6 प्रो में LED नोटिफिकेशन लाइट है या नहीं, तो भाई आने दो चेक करके आपको बता दूंगा। सेकंड पूछ रहे हैं नोकिया 7.1 प्लस इंडिया में कब तक आएगा, नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिलेगा। ये पूछ रहे हैं रियलमी का अपकमिंग डिवाइस एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम पे रन करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, कलर OS के साथ में आएगा। साथ में पूछ रहे भाई कमेंट जरूर से पिक करना, लॉट्स लव फ्रॉम दिल्ली, लव यू टू मेरे भाई फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रियलमी 2 प्रो में पाई अपडेट कब तक आएगा, आएगा लेकिन कब आएगा रियलमी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया, नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट क्वार्टर में आई थिंक सो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भाई रियलमी, ये पूछते हैं आनंद कुमार, ये बोलते हैं यहाँ पर रियलमी 2 प्रो ले या वेट करे न्यू रियलमी U1 का, हमें बेस्ट सेल्फी कैमरा चाहिए, ग्लास बॉडी प्लीज रिप्लाई, कहीं मेरा क्वेश्चन पिक नहीं, रिप्लाई नहीं करते भाई, भाई कर लिया आपका रिप्लाई, सेल्फी कैमरा आपकी प्रायोरिटीज़ है, तो रियलमी U1 एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन रहने वाला है, रियलमी ने जितने भी हिंट दिए उसके अकॉर्डिंगली ये एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन रहेगा, तो सेल्फी के लिए मैं आपको बोलूँगा भाई रियलमी 2 प्रो मत लेना, रियलमी U1 का वेट कर लेना। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चन जो कि आपने मुझे पूछे थे, आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे बराबर से रिप्लाई कर दिया हो, और अगर आप मेरे कोई क्वेश्चन छूट गए तो आप नीचे कमेंट कर देना, आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप ASUS ZenFone Max Pro M2 का ज़्यादा वेट कर रहे हो या इंतज़ार कर रहे हो, या आप रियलमी U1 के लिए ज़्यादा वेट करो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको एक क्यू एंड ए वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।